टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सूर्य कुमार यादव अपने बल्ले से बॉलर्स के छक्के छुड़ा रहे हैं। फैंस इन्हें भारत का एवी डिविलियर्स और स्काई नाम से भी बुलाते हैं। मौजूदा वर्ल्ड कप की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। ये स्टोरी लिखे जाने तक खेले गए 3 मैचों में सूर्या ने 134 रन बनाए हैं। इसमें उनका स्ट्राइक रेट 178.66 का रहा है, जबकि उनका औसत की बात करें तो यह है 67 है, जो कि किसी भी बल्लेबाज की तुलना में इस विश्व कप में कहीं ज्यादा है। ऑन फील्ड ऐसी तूपारी पारी खेलने वाले सूर्या ऑफ फील्ड में स्पीडी कारों और बाइक्स का शौक रखते हैं। फिलहाल अपनी अच्छी फॉर्म और टी20 रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने की वजह से वे चर्चा में हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले सूर्य मौजूदा समय में मुंबई के आलिशान अपार्टमेंट में परिवार के साथ रहते हैं। सूर्य मुंबई के चेंबूर इलाके के आलिशान अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ वो अपनी पत्नी देविशा, माता पिता और बहन के साथ रहते हैं। घर के इंटीरियर को मॉडर्न तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू सोफे और व्हाइट डाइनिंग टेबल जैसे फर्नीचर्स हैं। वाराणसी से क्रिकेट के गुर सीखने वाले सूर्य कुमार यादव की प्रतिभा को बचपन में ही उनके चाचा और पहले गुरु विनोद यादव ने पहचाना था। वाराणसी की गलियों से मैदान तक का सफर उनके चाचा विनोद यादव ने ही पूरा कराया। क्रिकेट का बल्ला थामने से लेकर खेल की पहली शिक्षा विनोद यादव के ही घर की गलियों से हुई है। खुद सूर्य कुमार भी अपने चाचा को ही अपना सबसे पहला गुरु मानते हैं। सूर्या के चाचा ने एक इंटरव्यू में बताया कि सूर्या ने हमेशा से अपना आदर्श सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को माना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।